क्या नाम है आपका? भगवान भाई नाम है। कहाँ रहते हो? ये बांसवाड़ा जिला। क्या परेशानी है आपको? अब ये रेटिना की प्रॉब्लम है। क्या बीमारी बताइए आपको? मेरे को तो वो डॉक्टर ने यही बोला कि आरपी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, आरपी है। तो किस डॉक्टर साहब को दिखाया था आपने? मैंने दिखाया नागपाल जी को। अच्छा, उन्होंने भी बोला इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दवाई दे के वापस मना बोल दिया। उसके बाद हरडिया साहब के पास में मैं गया। हाँ, तो हरडिया साहब ने भी यही बताया कि इसका दुनिया में कोई इलाज है नहीं। हाँ, और ये छोटी मोटी दवाई लिखती थी, वो दवाई में चलता रहा, ड्रॉप डालता रहा, इंजेक्शन करता रहा, ये करता रहा, इससे सब मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। बाकी है ये बच्चे की यूं बोला, मैं दवाई खाता रहा। अच्छा, आपकी ये बीमारी कब से शुरू हुई? ये मेरे को बस अब यही है, 3-4 साल से मैं ज्यादा मेरे को बात हुआ। बाकी नहीं, शुरुआत कब से? थोड़ा थोड़ा कब से था? थोड़ा थोड़ा शुरुआत लगभग 10 साल के ऊपर टाइम है। 10 साल के ऊपर से आपको कम? क्योंकि मैं इंदौर नौकरी कर रहा था साहब, तो ये मेरे को पहले बहुत बढ़िया था। तो सबसे पहले क्या आपको क्या शुरुआत हुई थी? सबसे पहले मेरे को रात में दिखना कम हुआ। रात में दिखना कम हुआ? हाँ, है ना। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे अब दिन में कम हुआ। दिन में कम होते होते ये एक आंख में ज्यादा कम हो गया। अच्छा, दिन में कम होने लगा। हाँ जी। तो आपको ये मोहताजी कब से आ गई? आपको नौकरी कब से छोड़ना पड़ी? नौकरी मैंने छोड़ी कम से कम 4-5 साल हो गए। करने, मोटरसाइकिल चलाने सब मैंने बंद कर दिया। सब बंद कर दिया है? हाँ, है ना। तो 5 साल से तकलीफ इतनी बड़ी कि आप दिन में रात में कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल साहब, ये कोई ना कोई का सहारा चाहिए आप। बिल्कुल साहब, दिन में तो और भी मैं थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ अकेला, जहाँ मेरे अनजान जमीन में नहीं जा सकता हूँ। अनजान जगह पे नहीं जा सकते दिन में अकेला? जानी पहचानी में अकेला घूम सकता हूँ, बाकी नहीं। चलिए, एक आंख बंद करिए आपकी, मेरी उंगली बता सकते हो कितनी है? अंधेरे में नहीं मालूम पड़ेगा। उजाला है दोस्त? नहीं, बराबर नहीं दिखता। नहीं दिखता है। दूसरी आंख से देखो, इसमें सब कम दिखता है। वही बात नहीं, ये हाथ हिलता वो दिखता है। ये हिलता महसूस होता है क्या? हाँ, हिल रहा है। अब नहीं हिल रहा है। अब भी नहीं हिल रहा है, अब हिल रहा है। भगवान भाई, आपको सिर्फ हाथ हिलता महसूस होता है, कोई सामान आप गिन नहीं सकते, हाथ की उंगली वगैरह गिन नहीं, पहचान नहीं सकते। ये क्या? ये भगवान, ये लाइट कहाँ से आ रही है बता सकते हो क्या? ये साइड से आ रही है। कौन से साइड से? ये इधर से। अच्छा, अब इधर किधर लाइट चालू करना? ऊपर से। अब नीचे से। तो आज आपकी स्थिति ये है कि आपको चारों तरफ से लाइट दिखती है जी, हाथ हिलता हुआ दिखता है, उंगली आप गिन नहीं पाते हैं। इससे ज्यादा जो भी रोशनी पड़ेगी आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से? देखें, बिल्कुल मानूंगा सब, बिल्कुल। मैंने आपका जो नेट पे कुवैत का वो हमारे गांव के लड़के ने मेरे को नेट पे बताया ना, उसी दिन मेरे को भरोसा हो गया। कुवैत से फोन आया था ना आपके ऊपर? हाँ, मेरे गांव का वो रेबारी है वो भी। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे पे दया करता पहले से भी। अच्छा अच्छा। तो उसने व्हाट्सएप पे एक दूसरे लड़के के ऊपर भेजा। हाँ। उसने मेरे को दिखाया, जब हमारे गांव के 10 आदमी बैठे थे तो ऐसे मेरे बीमारी वाले रेबरियों कम से कम 25 लोग हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तीनों जिलों। ये कंडीशन है सब, कोई ऐसे कई रोगी पड़े। हम तो चाहेंगे भगवान भाई अच्छे से मेरे को सब। उसी दिन मेरे को विश्वास हो गया कि अपना अंधापन हटेगा, लेकिन अब अपने पास धन नहीं है, भगवान जो करे जो सही, जैसे होगा ऐसे भगवान अच्छा ही करेंगे। भगवान सब अच्छा करेंगे, महाकाल बाबा की शरण में आए हो आप, सब अच्छा होगा, है ना। ओके जी, देखिए ये काली काली बिंदिया दिख रही है सब। हाँ, ये टोटल काली बिंदी दिख रही है, बाकी गिनती नहीं दिख रही। मतलब गिनती नहीं दिख रही है, गिनती है ही नहीं इसमें, गिनती नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है, है ना। पर कलर में ही थोड़ा बहुत ये महसूस हो रहा है कि कुछ है। हाँ, लाल कलर की बिंदी है अंदर, पर ये क्या है ये नहीं मालूम है। नहीं, ठीक है, गोल गोल लाल लाल लग रहे हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, मतलब इस बीमारी में आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो है, साथ में कलर ब्लाइंडनेस भी हो गया है, रंग आपको दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, ये बात सही है सर। ठीक है, वाइट कोई बात नहीं, जो भी फर्क आएगा हम देखेंगे। ठीक है जी सर। लक्ष्य के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा भगवान भाई नाम है सर। भगवान भाई, कहाँ रहते हो? मैं राजस्थान का बांसवाड़ा जिले का। क्या परेशानी है आपको? मेरे आंखों में आरपी की बीमारी है सर। आरपी की बीमारी का आपने अभी डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ इलाज कराया? हाँ जी। इसके पहले आप कहाँ कहाँ दिखा के आ चुके थे? मैंने बॉम्बे भी बताया, हरडिया साहब के वहाँ पे भी बताया, हरडिया साहब, अहमदाबाद भी बताया। अहमदाबाद में किसको दिखाया था? डॉक्टर नागपाल जी को दिखाया था। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखती है और जीवन अंधकारमय होता है। आज जब यहाँ आए थे अब आपको क्या दिखता था? उस दिन मेरे को ज्यादा परेशानी थी। ज्यादा परेशानी थी? आप किसी का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल आए थे? हाँ जी। ठीक जी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? दिखाई नहीं पड़ रहा था? नहीं पड़ रहा था। तो ये पहले कोर्स के बाद
आपको कुछ फर्क में लग रहा है? फर्क में लग रहा है, कभी हाथ छोड़ के भी मैं जा सकता हूँ और कभी हाथ पकड़ता भी हूँ, हाथ छोड़ने का एहसास भी कर रहा हूँ। अब आप हाथ छोड़ के चल फिर रहे हैं? हाँ, पीछे चल सकता हूँ मैं हाथ छोड़ के। बताइयो। हाँ सर, देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। हाँ जी। सीधा एक आंख बंद कर लीजिए आपकी, मेरी उंगली बता सकते हैं आप कितनी है? तीन, चार उंगली दिख रही है। अंगूठा है कि नहीं है? अंगूठा है। है तो पांच भी है और आपके हाथ में पहना हुआ वो भी दिख रहा है। हाँ, तो पांच उंगलियां। पांचों, पांचों। सामने कौन खड़ा हुआ बता सकते हो क्या? उंगलियां बता रहे हो आप, तो चेहरा पहचानने की कोशिश करो। ये अपना साथ में दद्दू है। दद्दू है? अरे वाह यार दद्दू, हमने तो ओढ़ ही ली तो यार इनने है, पहचान गए। चलो बहुत बधाई हो। आप देखो आप कौन खड़ा है? अपने यहाँ पे वो सब हमारे यहाँ के बाबा जी। चलो वाह यार, तो आज बाबा जी को पहचान रहे। बाबा जी के पास में कौन है? राजा राम जी। राजा राम जी दद्दू। वाह यार राजा राम जी, आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि हमारे यहाँ से एक आदमी को और रोशनी मिल गई, वो अपने लोगों को पहचानने लग गया। अब देखते हैं कोई आता है तुम पहचानते हो कि नहीं। मैडम है कि साहब है? कोई दूसरा आदमी है? चश्मा पहना है क्या इनने? कुछ पहना है आँख पे? हाँ, चश्मे है सर। चश्मा है? हाँ, बहुत बढ़िया है। चश्मे है सर। शर्ट सफेद नहीं है? शर्ट सफेद नहीं है, वो कैन सी काली है, वो थोड़ी काली सी काली काली दिख रही है। काली काली सी दिख रही है। अब देखना बता सकते हो कौन आया है? मैडम ही है। मैडम है पक्का? मैडम है। थाके इधर मैडम लोग माथा ढाके के कौन है? तुम्हारे इधर मैडम लोग माथा ढाकती है कि नहीं? ढाकती है। पक्का? पक्का ढाकती है। तो ये कौन है, मैडम है कि साहब है? मैडम ही है। मैडम है। चलो बहुत बधाई हो आज तो यार, बहुत सारी बधाई हो आपको। आज आपने जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त किया है जो हम भी नहीं सोचते थे कि आपको 7 दिन में इतना पहचानने में आने लगेगा। पढ़ो ये क्या लिखा है। 8 5 2 9 3 4 2 8 3 5 6। शाबाश। लास्ट 6 ऐसा। गुड, वेरी गुड। आज आपको गणित में 6ठी लाइन आने लग गई है। बहुत सारी बधाई हो आपको। ये हिंदी पढ़ सकते हो आप? क्या लिखा है? दुखी नहीं रहोगे तो वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसके योग्य वंदना चाहिए। सभी सदा बोलो, किसी के दबाव में आकर का मत सोचो। नहीं से बहुत अच्छे हैं आप। एक समय था, आज आप उससे 6 अक्षर 6 लाइन पढ़ने लगे हैं और हिंदी का जो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। सही बात, हिंदी का कुछ भी नहीं है ना, वो आपको 4 लाइन दिखने लगी, 5वीं थोड़ी धुंधली है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी। कि आपकी जिंदगी में फिर से उजाला आना। भगवान भाई, आपको भगवान जी ने फिर से रोशनी दी है और महाकाल बाबा के आशीर्वाद से आपको फिर से दिखना शुरू हो गया है। हाँ जी। ठीक जी। दूर में आप आदमियों को पहचानने लग गए हैं, सामान पहचानने लग गए हैं, उंगलियां गिनने लग गए हैं। हाँ जी। पास का पढ़ने लग गए हैं। जी। ठीक। आप पहले दिन आए थे उस दिन आप उंगली भी नहीं गिन पा रहे थे। पहले दिन आप सिर्फ लाइट महसूस कर पाते थे और कोई चीज हिलती है आँख के आगे वो दिखती थी आपको। सही बात। ठीक। आज अपन देखते हैं आपके पहला कोर्स खत्म होने के बाद आपको चश्मे से कितना दिख रहा है। पहले तो चश्मे से भी कभी नंबर नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, है ना? चश्मे से भी कोई रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही, नहीं बढ़ती थी। आप जगह जगह इलाज कराए थे, किसी ने चश्मा भी आपको नहीं दिया था। दिया ही नहीं था चश्मा, मेरे को मना बोल दिया, इसका इलाज भी नहीं है, चश्मे भी नहीं है, इसका चश्मे से भी कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा। देखे आज आपने किसके यहाँ इलाज कराया? डॉक्टर ऋषभ जैन, उज्जैन में मैंने इलाज करवाया और मेरे को 7 दिन के कोर्स के अंदर ही फायदा लगा। अब देखें आपको क्या दिख रहा है, दूर से देख के बताइए क्या दिखता है सामने कांच में। ई लिखा हुआ है। हाँ, ई के बाद? ई के बाद डी एन। हाँ। एच सी यू। शाबाश। डी एल ए एफ। बहुत बढ़िया। उसके नीचे कुछ आ रहा है क्या? ये बीच की लाइन में एक आध अक्षर आता है क्या आपको? एच। हाँ। एच एक एल। एल। बहुत बहुत बधाई हो, आज आपको 5वीं लाइन दिख रही है, मतलब करीब करीब आपको 100 फीट के आसपास नजर पहुंच गई है चश्मे से। तो खुश हो आप, आपका दिखना शुरू हो रहा है। मेरे को विश्वास हो गया है कि आप मेरे लिए भगवान हो,
मेरी रोशनी जरूर आप वापस दोगे। अभी तो आ गई है इतनी रोशनी कि आपका काम चल जाए, आप दुनिया को पहचानने लग गए, अपनों को पहचानने लग गए हैं, है ना, और 100 फीट तक की दूरी तक आपकी नजर पहुंच गई है चश्मे से। ठीक, आप पूरे देश के लोगों से, विदेश के लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा अगर मेरी तरह कोई भी अगर इस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हाँ साहब, ये इस बीमारी से जो है वो अगर आप तक पहुंच जाए तो वो आदमी सुधर जाएंगे और उनका अंधापन निकल जाएगा, मेरे को विश्वास है। और इसका इलाज दुनिया में कहीं है ही नहीं इस बीमारी, मेरे को भी विश्वास नहीं था, आपके यहाँ आया भरोसा हुआ है। यहाँ पे आपके, आपने 7 दिन जब कोर्स लिया उसके बाद आपको भरोसा हुआ? मेरे को भरोसा हो गया वास्तव में ये इलाज है दुनिया में, नहीं ऐसा नहीं, इस बीमारी का इलाज हो सकता है, हो सकता है, है ना, है क्या, निकल गया है, इलाज ही हो गया, समझ, इलाज ढूंढ लिया गया है और आपको रोशनी बड़ी है जी, सभी तरह की रोशनी आपकी बढ़ना शुरू हो गई। बिल्कुल साहब, इस तरह का कोई भी मरीज चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, बिल्कुल तो, वो आपको संपर्क में आए वो मरीज जल्दी से जल्दी, अगर नहीं आएगा तो वो नुकसान में रहेगा। यदि वो आएगा तो उसकी रोशनी मिल जाएगी, उसको उसको रोशनी मिल जाएगी, किसी को ज्यादा होगा धीरे मिलेगी, किसी को जल्दी मिलेगी, बाकी मिलेगी जरूर, पक्की मिलेगी जरूर, ये बात तो है साहब। आप दूसरे मरीजों से भी मिले यहाँ पर? दूसरे जितने मेरे सामने मरीज आए एक भी मरीज यूनी बोल रहा है मेरे को फायदा नहीं हुआ, किसी को कम, हर मरीज बोल रहा है किसी को कम या किसी को ज्यादा, फायदा सबको जरूर हुआ, फायदा सबको, कोई यूनी बोला मेरे को फायदा हुआ ही नहीं, वो बात तो है ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तो हुआ ही, आपको फायदा हुआ तो आप चाहेंगे दुनिया भर के आपके भाई बहन जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी से पीड़ित है, दुखी है, लाचार हो गए हैं, क्या वो उज्जैन आके, उज्जैन आके डॉक्टर रिसेप्शन से तुरंत मिले वो लोग, संपर्क करें और इलाज चालू करवाएं, नहीं तो वो अंधेरे में जाएंगे, अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में ही रहे आएंगे, और अपने जीवन को, जीवन को वापस उज्जवल बन जाएगा अगर यहाँ आएंगे, यहाँ आने से उनकी जीवन उज्जवल हो सकता, बिल्कुल राइट है ना, फिर से वो अपनी नई जिंदगी शुरुआत होगी, शुरू कर सकते, कोई भी अगर देखते हो तो उनको पहले यहाँ संपर्क करना चाहिए सबसे पहले। तो आपसे कोई व्यक्ति फोन पे संपर्क करेगा तो आप उसको बोलेंगे? बिल्कुल साहब, क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो आज से ही संपर्क में लग गए, समझ लो आप, मेरे सामने कई ऐसे आदमी हमारे गांव में कोई है, कई बीमारी वाले बेचारे जिसकी तो, जिसकी जैसी व्यवस्था होगी ऐसे आप तक हमको पहुंचाना ही है, हम भी यही चाहते हैं उनका भी अंधापन निकले। मेरा तो यही कहना है कि यदि आपके कहने से एक भी अंधा आदमी, एक भी अंधा आदमी में को रोशनी आ जाती है तो आपने एक चार धाम की यात्रा, बिल्कुल सर, घर बैठ के, ये बात मैं भी कहना, सही बात, इतना पुण्य का काम है, पुण्य का काम है कि आदमी इस पुण्य कार्य में यदि लगेगा सही है साहब, तो शायद उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे इस नगरी में अपना आकर आंखों का उज्जवल मिल गया, भविष्य क्या चाहिए उज्जैन नगरी में, इससे ज्यादा क्या चाहिए, आदमी की आंखें ही उसका हीरा है, हीरा है सही, और उसको हीरा हीरे से दिखाई देने लगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, बधाई हो आपको, बहुत बधाई साहब, बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, बहुत ही बधाई, आप हमारे जैसे अंधे आदमियों को आप अंधापन हटा रहे हो, बहुत पुण्य का काम हो, आपके बच्चे बाप पे रिपेंट, जो आपके बच्चे परिवार हैं हाँ वो शायद हमसे ज्यादा खुशी महसूस करेंगे कि क्यों नहीं सर, 100% यहाँ इलाज है, मेरे को ये विश्वास हो गया और आप सुधर जाओगे। तो क्या नाम आपका? मेरा राजाराम। राजाराम जी बधाई हो आप सबको जी, आपको और भी आप लोगों को, आपको बधाई सर, आपका जिंदगी में सफलता, आप तो हमारे लिए भगवान हो साहब, मानते भगवान हो, भगवान तो हमको आप रोशनी दे रहे हो, महाकाल बाबा सब कृपा, महाकाल कृपा और आपकी, महाकाल की आप पे और आपकी हमारे इतना प्रयास करते रहे। आप इस समाचार को, इस बात को पूरी दुनिया में बोलना चाहेंगे कि जो बीमारी, जो नहीं बोलेंगे, इस बीमारी से जो ग्रस्त है वो तो कभी भूल ही नहीं करे, सबसे पहले यहाँ संपर्क करे, सबसे पहले नहीं तो उसकी जिंदगी अंधकार में, अंधकार में बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए, उन लोगों उसकी लापरवाही से अब वो बैठे हुए जाने, बाकी यदि उसके पास खबर पहुंचे तो उसको तुरंत आना चाहिए, उसको आना चाहिए, उसके परिवार वालों को लाना चाहिए, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो ये समाचार उसको अपने इष्ट मित्रों में बस बस पहुंचाना चाहिए, ये अपना धर्म है, ये अपना धर्म, अपना धर्म है जी। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ, साथ में है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के ये पेशेंट भगवान जी। भगवान 12 साल से ब्लाइंड हो गए थे, आज स्थिति यह है कि ये सभी लोगों को पहचान रहे हैं, अपना काम करने लगे हैं, चलने फिरने में इनकी कठिनाई खत्म हो गई है, पास का पढ़ रहे हैं, दूर का पढ़ रहे हैं। तो यही आप लोगों से भी अनुरोध है, यदि किसी की रोशनी कम हो गई है, खत्म हो गई है, खत्म होती जा रही है, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से मत डरिए, आप इलाज कराने उज्जैन आइए, और विश्व की असाध्य बीमारी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह भगवान जी भाई ठीक हुए हैं उसी तरह विश्व का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में आएगा वो 100% सुधरेगा, वो 100% सुधरेगा, उसको फर्क आना शुरू होगा और उसकी जीवन में फिर से वही बहारें आएंगी जो कभी
सूर्यदास होने के पहले ये थी, वो फिर से अपनी लाइफ शुरू कर पाएगा, क्योंकि बिना आंखों के एक व्यक्ति उसके परिवार पे सिर्फ बोझ होता है और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।